बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज मैं घी निकालने वाली हूँ। इसकी प्रोसेस बताऊँगी कैसे निकालूँगी। फर्स्ट मैं दूध को गर्म की हूँ। इसके बाद मैं इसे फ्रिज में 4 आवर्स के लिए रख दी थी। ये देखिए, इसमें काफ़ी अच्छे से मलाई जम चुके हैं। अब मैं इसे निकाल रही हूँ। बस इसमें जितने भी जमे हैं मैं सारी मलाई निकाल ले रही हूँ। ये देखिए, हमने सारी मलाई निकाल लिया है। आप इसी तरह से रोज़ निकालते जाएं इसे। ये देखिए, हमने इसे रोज़ निकाल निकाल के इस तरह से मलाई को जमा कर लिया है। आप ही रोज़ इसी तरह निकालते जाएं, फ्रिज में रखते जाएं, ख़राब नहीं होंगे। अब मैं सारे मलाई को इसमें कढ़ाई में डाल ले रही हूँ। और डालकर मैं इसे अच्छे से स्मैश कर लूँगी। ये देखिए, हमने इसे अच्छे से स्मैश कर लिया है। बिल्कुल ये पेस्ट के शक्ल में आ चुके हैं। मैंने इसे 5 to 7 मिनट्स ऐसे करके इसे स्मैश किया है। ये बिल्कुल पेस्ट स्मूथ बन चुके हैं। अब मैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस में आती हूँ। गैस ऑन कर रही मैं और मैं इसे चढ़ा दे रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। ये आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर आपको मेरी सी पसंद आई तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। ये देखिए, मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। अब ये मेल्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। इसे मैं कंटिन्यूसली स्टर करती रहूँगी, नहीं तो ये नीचे में सड़ जाएंगे। ये देखिए, मैं इसे कंटिन्यू चला रही हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और इससे आप थोड़े थोड़े घी आने स्टार्ट हो चुके हैं। मैं इसे लगातार चला रही हूँ। ये देखिए, हमारे 90% जो है इससे घी निकल चुके हैं। आप इसके कलर भी देख पा रहे होंगे, काफ़ी हद तक ये चेंज हो चुके हैं। अब ये 5 मिनट में हो जाएंगे बिल्कुल। ये आप देख पा रहे होंगे कि अच्छे खासे निकल चुके हैं। ये देखिए, हमारे घी जो है ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं। इसमें इसके जो भी बबल्स थे कितने ऊपर आ रहे हैं अच्छे से। अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो देखिए एकदम डार्क ब्राउन हो चुके हैं। इस तरह कलर आ चुके हैं, मतलब कि हमारे घी तैयार हो चुके हैं। अब मैं गैस के फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ। जब ठंडे हो जाएंगे तब मैं इसे किसी बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए, हमारे घी जो है बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं और मैं इसे अब निकाल दे रही हूँ। अब मैं इसे एक स्ट्रेनर में कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने सारे को इस तरह से कर लिया है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ऐसे रहने दूंगी। इसमें जितने भी होंगे घी सब निकल जाएंगी। ये देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं। हमारे घी जो है बिल्कुल अच्छे से निकल चुके हैं। आप चाहें तो इसे वेस्ट नहीं कर सकते हैं। आप इसे गर्म पानी में डाल करके थोड़े से निकाल सकते हैं। इसमें जो भी होगा निकल जाएंगी। ये देखिए, हमारे घी जो है बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इसके देख पा रहे होंगे, बिल्कुल असली ओरिजिनल घी है ये। इसमें कुछ भी हमने मिलावट नहीं की है। और आप इसे स्टोर करके रख लें, काफ़ी महीने तक ये आराम से स्टोर हो सकते हैं और बहुत ही इजी वे में निकल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे घर पे ज़रूर ऐसे इस प्रोसेस से निकालेंगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।